यहाँ आप देखेंगे कि एक एंजल यानी एक फरिश्ता जिसको हेवन से निकाल दिया गया है, एक इंसानी लड़की को पसंद करने लगा है। यहीं से कहानी कुछ वक्त पहले जाती है और मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले इस यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा ही था। लाइट नाम की कोई भी चीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं किया करती थी, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद गॉड्स ने लाइट बनाई, हर चीज ब्राइट हो गई यानी रोशन हो गई और फिर एक हेवन बना जिसके बाद सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। सारे गॉड्स और एंजल्स मिलकर हेवन में रहा करते थे, लेकिन फिर एक दिन एक एंजल गॉड की बात नहीं मानता जिससे एंजल्स और गॉड्स के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और अब सारे एंजल्स को कोई ना कोई साइड चूज करनी थी जिसमें या तो वो सिर्फ गॉड्स की साइड चूज कर सकते थे या फिर वो उस एंजल के साथ रह सकते थे जिसने गॉड से लड़ाई की थी और अब वो डीमन बन चुका था। काफी सारे एंजल्स अपनी अपनी साइड चूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एंजल्स थे जिन्होंने कोई भी साइड चूज नहीं की थी, इसीलिए गॉड्स ने उन्हें अब अर्थ पर भेज दिया था तब तक के लिए जब तक वो कोई साइड चूज नहीं कर लेते। यानी वो ये चूज नहीं कर लेते कि उनको गॉड्स के साथ रहना है या एंजल्स के साथ। जो एंजल्स इस मूवी में अर्थ पर आए हैं उन एंजल्स को फॉलन कहा गया है। सीन कट होकर प्रेजेंट सीन में हमें लूसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। उसके पेरेंट्स उसे एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ रहे हैं जहाँ साइको पेशेंट्स पढ़ते हैं, जिसका मतलब था कि इस स्कूल में साइको पेशेंट्स की स्टडी के साथ साथ उनका इलाज भी किया जाता था। इस बोर्डिंग स्कूल में आने पर लूसी को एक ऐसा लड़का भी नजर आया था जो कि एक जेल से आ रहा था। हम लूसी को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि लूसी वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उसे कुछ हेलुसिनेशंस आते हैं। साइकेट्रिस्ट उसे बताते हैं कि तुम अगर ये मेडिसिन लो तो तुम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हो, लेकिन लूसी मेडिसिन लेने से इनकार कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि ये हेलुसिनेशन किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। जिसके बाद लूसी अब एक लाइब्रेरी में जाती है जहां पर उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम डेनियल था। उसने डेनियल को यहाँ पर पहली मर्तबा देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डेनियल से पहले मिल चुकी है, और इससे पहले कि वो डेनियल से कोई बात करती डेनियल उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसके छोटे छोटे दो कलर के बाल थे और वो यहाँ पर लूसी से लड़ने लग गई थी। लूसी इस बात से हैरान थी कि ये लड़की उसे कैसे जानती है, जिस बात का वो लड़की उसे जवाब देती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम एक किलर हो। और ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि लूसी को दोबारा हेलुसिनेशंस आए थे जहां वो किसी आग लगे हुए घर के अंदर बैठी हुई थी। यहां उस लड़की और लूसी के दरमियान में फाइट हो जाती है। अब हमें लूसी को ग्राउंड में दिखाया जा रहा था। ग्राउंड में उसके ऊपर हम देखते हैं कि एक एंजल स्टैचू गिरने वाला था जिसके उसके ऊपर गिरने से वो यकीनन मर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसे यहां पर इस स्टैचू से डेनियल बचा लेता है और यहां दोबारा डेनियल के बचाने पर या उसके करीब आने पर लूसी को हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि डेनियल को देखते ही उसे हो क्या जाता है, जबकि डेनियल को हम उस लड़की के साथ देख रहे थे जिसकी लूसी के साथ लड़ाई हुई थी। डेनियल असल में अपनी विंडो से लूसी को देख रहा था और ये करते देख कर वो लड़की डेनियल से कहती है कि तुम्हें उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि तुम नहीं जानते ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है। जबकि क्लास में अब लूसी आखिरकार हिम्मत कर डेनियल के सामने आ ही चुकी थी और वो उससे सवाल कर रही थी कि मुझे लगता है कि हम कहीं मिल चुके हैं। इस बात पर डेनियल जवाब देता है कि हम कभी नहीं मिले, अगर मिले होते तो शायद मुझे याद होता। और ये बात कहकर वो उसे इग्नोर कर आगे चला जाता है, जबकि लूसी उदास होकर वहाँ से बाहर आ चुकी थी। और बाहर आने पर उसे वो लड़का कैम मिलता है जो कि मूवी के स्टार्ट में उसने अपने साथ हॉस्टल में आते देखा था। कैम लूसी को कॉफी की ऑफर करता है। वो लोग काफी देर बैठकर बातें करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कैम अब लूसी को पसंद करने लगा था। अब हम उन सारे स्टूडेंट्स को एक्टिविटी क्लास में देख रहे थे जहाँ सॉर्ड फाइटिंग चल रही थी। लूसी को सॉर्ड चलानी नहीं आती थी, लेकिन वो फिर भी पार्टिसिपेट करती है और इस मरतबा उसकी ओपोनेंट वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में उससे लड़ रही थी। उस लड़की ने बहुत आराम से लूसी को हरा दिया था और अब लूसी का कंपटीशन डेनियल के साथ था। डेनियल के सामने आते ही उसे दोबारा हेलुसिनेशंस होते हैं। उसे नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं पहले भी डेनियल से ऐसे ही सॉर्ड से लड़ चुकी है, लेकिन अपनी इस लाइफ में उसने कभी ऐसा तो नहीं किया था। इस वक्त वो अपने हेलुसिनेशंस में रहते रहते ही डेनियल से लड़ रही थी और उनकी काफी जबरदस्त फाइट चल रही थी। सारे पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि लूसी एक अकेली जगह पर आ जाती है जहां अब दोबारा उसके सामने वही लड़की आई थी जो हर बार उससे लड़ने के लिए आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम क्या करती हो आजकल, क्या तुम्हें आज भी वो लड़का नजर आता है जिसे तुमने मारा था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी हेलुसिनेशंस होते हैं। जितनी भी बातें ये लड़की कर रही थी लूसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
लूसी जो कि सब सिचुएशन से घबरा चुकी थी, वो आज पहली मर्तबा अपनी मेडिसिन लेती है ताकि उसे रात को डरावने ख्वाब ना आए। अब हमें मूवी में लूसी का पास्ट बताया जा रहा था जिसमें लूसी का एक फ्रेंड था, और एक दिन जब वो दोनों अकेले होते हैं तो वहाँ लूसी को कुछ शेडोज नजर आते हैं, और उन शेडोज की वजह से लूसी के देखते ही देखते उस पूरे घर में आग लग चुकी थी जिस घर के अंदर लूसी और वो लड़का था। लूसी तो किसी न किसी तरह से बाहर निकल गई थी जबकि वो लड़का उसी घर में मर चुका था, जिसके बाद से उसे जब भी हेलुसिनेशंस होते हैं या वो शेडोज देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लूसी बेन से कहती है कि मैं बहुत डेंजरस हूँ, तुम भी मेरी फ्रेंड ना बनो, मेरी वजह से लोग मर सकते हैं। उसके बाद वो सुनती है कि डेनियल और टीचर उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ डेनियल टीचर से कह रहा है कि लूसी को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये बात सुनकर लूसी को खुशी तो हुई थी, लेकिन वो फौरन उस रूम से बाहर आ गई थी कि डेनियल उसे देख ना ले, पर डेनियल तो फिर भी उसे देख चुका था। लूसी वहाँ से डेनियल की एक ड्रॉइंग उठाकर ले आई थी। लूसी जैसे ही डेनियल की ड्रॉइंग देखती है तो उसे लगता है कि शायद ही कुछ उसने पहले देखा हुआ है, इवन उस ड्रॉइंग की करेक्टर भी बिल्कुल उस जैसी थी। और इतने में ही वहाँ पर डेनियल आ जाता है। वो डेनियल से पूछती है कि ये ड्रॉइंग किस जगह की है, जिस पर डेनियल बताता है कि वो एक नॉवल लिख रहा है और ये ड्रॉइंग उसी बुक के कवर के लिए है जिसका एंड अभी तक डेनियल ने नहीं लिखा था। डेनियल उसे बताता है कि वो एक लड़का और लड़की की अजीब स्टोरी लिख रहा है जिसमें जब लड़का और लड़की मिलते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उनके करीब आने पर हमेशा लड़की मर जाती है, जिसके बाद उस लड़के को अपना फर्स्ट लव पाने के लिए दोबारा 17 साल वेट करना पड़ता है। वो लड़की दोबारा पैदा होती है और वो दोनों दोबारा किसी न किसी तरह मिलते हैं, और फिर उनके करीब आने पर लड़की की जान चली जाती है। वो कहता है कि ये साइकिल सेंचुरी से चलता आ रहा है जिसमें लड़का कभी भी बूढ़ा नहीं होता और लड़की हर 17 साल बाद उनके मिलने पर मर जाती है, और हर बार वो दोबारा पैदा होती है, और हर बार ही वो लड़का 17 साल के लिए उस लड़की का वेट करता है। यहाँ लूसी को शक होता है कि डेनियल ये स्टोरी अपने बारे में बता रहा है, लेकिन डेनियल उसकी बात से इनकार कर देता है। डेनियल उसे कह रहा था कि काश मैं तुम्हें वो बात बता पाता जो तुम सुनना चाह रही हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लूसी को उसके रूम में देख रहे थे। आज रात लूसी का बर्थडे था, इसीलिए उसके पास कैम आया था, उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहता है, जिसकी शर्त उसने ये रखी थी कि अगर लूसी उसके साथ पार्टी में जाएगी तो वो उसके सारे सवालों का जवाब दे देगा। वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और लूसी काफी मर्तबा उससे अपने बारे में सवाल करती है, लेकिन कैम किसी भी बात का जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पर डेनियल आ जाता है। उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और वो लोग एंजल्स की बातें कर रहे होते हैं जो कि किसी की समझ में नहीं आ रही थी। उन दोनों की लड़ाई देखकर यहाँ पर लूसी घबरा चुकी थी और वो वहाँ से भाग जाती है, और अब पार्टी से बाहर निकलने पर उसे दोबारा कुछ वियंस आ रहे थे। वो वियंस अब बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे, ऐसे जैसे अब उसके साथ ही सब कुछ हो रहा हो, और वो इस बात का पता चला चुकी थी कि कहीं ना कहीं ये वियन डेनियल के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए लूसी अपने फ्रेंड बेन के पास आती है जो कि कंप्यूटर्स में बहुत माहिर थी। वो लोग डेनियल की पिक्चर लेकर एक खास सॉफ्टवेयर में डालते हैं जहाँ से उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे, और सॉफ्टवेयर से उनको पता चलता है कि जो फोटो उनके पास थी वो डेनियल की सेंचुरीज पुरानी फोटो थी। वो लोग ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि हजारों साल बाद भी डेनियल बिल्कुल वैसा कैसे हो सकता है, उसके फेस पर एजिंग की कोई निशानी नहीं थी। वो लोग उसके बारे में और सर्च करते हैं जहाँ पर उन्हें एक और तस्वीर मिलती है, जिस तस्वीर में डेनियल और लूसी सालों पहले एक साथ, जिसके बाद अब दोबारा लूसी के पास्ट की तरह उसे यहाँ पर भी शेडो नजर आते हैं, और उस पूरी लाइब्रेरी में आग लग जाती है जिस लाइब्रेरी में बैठकर वो डेनियल के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। आग लगने पर यहाँ वो लड़का मारा जाता है जो कि सारा की हेल्प कर रहा था, और सारा को डेनियल यहाँ से बचाकर ले गया था। जिसके बाद एक सीन में हम सारा को हॉस्पिटल में देख रहे थे। सारा उस लड़की की मौत का और उस आग लगने का जिम्मेदार अपने आप को समझ रही थी। डेनियल दूसरी बिल्डिंग से लूसी के ऊपर नजर रखे हुए था, जहाँ लूसी भी ये देख लेती है और उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि तुमने नॉवल में जिसकी स्टोरी लिखी है वो और कोई नहीं बल्कि मैं और तुम है। वो इन सारी बातों से उकता चुकी थी और अब उसका जीने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से बालकनी पर खड़े होकर जंप कर देती। और इससे पहले कि लूसी नीचे गिरकर मर जाती, यहाँ पर डेनियल अपने बहुत ही खूबसूरत ट्रांसपेरेंट ये कह सकते हैं कि इनविजिबल विंग्स से उड़ते हुए नीचे जाता है और लूसी को बचा लेता है, जहाँ अब उसके विंग्स देखकर हम पर ये रिवील हुआ था कि डेनियल वही फॉलन एंजल है जो कि आसमान से जमीन पर आ गया था, क्योंकि उसने ना गॉड्स की साइड चूज की थी और ना ही एंजल्स की, बल्कि उसने ह्यूमन के प्यार को चूज किया था, और डेनियल वही एंजल था जो कि सदियों से लूसी को पसंद कर रहा था, और वो नॉवल स्टोरी जो कि डेनियल ने पहले बताई थी वो भी उसके अपने बारे में ही थी। उन दोनों के करीब आते ही लूसी को दोबारा शेडोज नजर आने लगे थे, लेकिन वो इस बार डरी नहीं थी क्योंकि उसके साथ डेनियल था, और डेनियल उसे कह रहा था कि तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं, और वो अब हार्ट टच कर लूसी को वो शेडोज दिखाता है जो कि उसने
कभी टच कर नहीं देखे थे और वो शेडोज लूसी को उसके सारे पास्ट की स्टोरी सुनाते हैं। अब क्योंकि यहाँ डेनियल और लूसी दोबारा मिल चुके थे तो साइकिल के अकॉर्डिंग उनके करीब आने पर लूसी मर सकती थी। उसे लगता था कि इस मरतबा लूसी नहीं मरेगी क्योंकि इस बार उसे कुछ चेंज नजर आता था लूसी की आंखों में। और यहाँ कैम आकर लूसी को कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, तुमने अगर ऐसा किया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। वो कहता है कि डेनियल को छोड़कर तुम मेरे साथ चलो। लूसी फिर भी कैम की बात नहीं मानती और यहाँ पर डेनियल और लूसी दोनों प्यार करते हैं। लेकिन इस मरतबा लूसी को कुछ भी नहीं हुआ था, यानी उनका कर्ज टूट गया था और उनका कर्ज टूटने से यहाँ पर मौजूद सारे एंजल्स डर चुके थे। यानी हमें पता चला था कि डेनियल के साथ यहाँ पर बाकी लोग यानी कैम वगैरह वो भी एंजल्स थे और वो डर इसलिए रहे थे क्योंकि जब इन लोगों का कर्ज ब्रेक होना था तो लूसीफर को जरूर गुस्सा आता और वो उनसे बदला लेने के लिए आसमान से जमीन पर आ सकता था। इसीलिए डेनियल यहाँ से लूसी को एक सेफ जगह पर बचा कर लेकर जाना चाहता था। यहाँ कैम को भी अपनी हार पर बहुत गुस्सा था क्योंकि लूसी ने कैम की जगह डेनियल को चुना था, इसीलिए उन दोनों के दरमियान में लड़ाई चल रही थी। वो लोग आसमान में उड़ते हुए लड़ रहे थे और उनके लड़ने की वजह से वहाँ पर तूफान भी आ चुका था। सीन्स अब शिफ्ट होते हैं टीचर और लूसी की तरफ। यहाँ टीचर बता रही थी कि डेनियल सिर्फ लूसी की वजह से हेवन में नहीं जा सकता, हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि डेनियल और लूसी का कर्ज ब्रेक हो चुका है। वो अब लूसी की फ्रेंड को मारकर लूसी तक पहुँचती है उसको मारने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि लूसी के मरने के बाद उनका साइकिल खत्म हो जाएगा और डेनियल इजीली उनके साथ हेवन में चला जाएगा। और इससे पहले कि वो लूसी को मार सकती, यहाँ पर जल्दी से डेनियल आ जाता है और वो लूसी को बचा लेता है, जिसे देखते ही टीचर एंजल वहाँ पर गायब हो चुकी थी। कर्ज भी अब ब्रेक हो चुका था और यहाँ लूसी और डेनियल भी मिल चुके थे। यहाँ लूसी भी कन्फेस करती है कि वो हमेशा से डेनियल को बहुत चाहती है और चाहती रहेगी, जिसके बाद डेनियल लूसी को अपने प्यारे से विंग्स में उठाकर हेवन की तरफ लेकर जा रहा था, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।